भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शुक्रवार देर शाम को प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुखपाल जाट के घर आरजिया पहुंचे। उनके पिता कल्याणमल चौधरी के आकस्मिक देहावसान पर शोक व्यक्त किया। इस मौके पर पूनिया ने कल्याणमल चौधरी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। लगभग 20 मिनट तक वे वहां रुके और जाट से चर्चा की। उन्होंने संवेदना व्यक्त की और जाट को ढांढस बंधाया। इस मौके पर पूनिया के साथ जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, सभापति राकेश पाठक, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पूर्व विधायक रतनलाल जाट, रूपलाल जाट, प्रशांत मेवाड़ा, राजकुमार आंचलिया, पूर्व डेयरी चेयरमैन रतनलाल चौधरी, पूर्व सभापति ललिता समदानी, प्रेस क्लब महासचिव राजेश मिठानी, शैलेंद्र वर्मा, धर्मेंद्र कोठारी, पिंकू खोतानी, प्रेम उपाध्याय, रवि पायक, लक्की वैष्णव, नवीन जोशी आदि मौजूद थे। देखिए, राजस्थान में इतना ही कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अंतर्कलह की, अंतर विरोध की शिकार है। उसका असर राजस्थान की जनता ने देखा कि ये पहली बार हुआ कि कोई सरकार 42 दिन बाड़े में बंद रही। उनको अपने पीसीसी के चीफ को बर्खास्त करना पड़ा, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा और आज भी उनके वरिष्ठ विधायक कभी धरने पर बैठते हैं, कभी इस्तीफा देते हैं, कभी उनके पूर्व मंत्री चिट्ठियाँ लिखते हैं। तो जिस तरीके की बयानबाजी और जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति दिखती है, उससे हमें तकलीफ ही है कि राजस्थान की जनता पर इसका सीधा असर हुआ और उस गवर्नेंस की कमजोरी के कारण कोरोना का कुप्रबंधन हुआ, अपराध बढ़े, बेरोजगारी बढ़ी, विकास के काम ठप हुए। ये पहला ऐसा अवसर है कि 2.5 साल में राजस्थान में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिसका मुखिया 15 महीने से घर में कैद है, वो दफ्तर तक भी नहीं गए। तो ऐसी कमज़ोर सरकार, मुझे लगता है कि नैतिक रूप से कमज़ोर होती हुई सरकार से राजस्थान की जनता का भरोसा उठा है। देखिए, ये साफ दिखता है, चिकित्सा ये राज्य का विषय है और कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार भरोसा देती है कि हम अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, लेकिन इस कोरोना की दूसरी लहर में पोल खुल गई। अब उन्होंने एक सियासी बयानबाजी शुरू की मोदी जी और केंद्र के खिलाफ। उनसे कोई पूछे कि राजस्थान में डॉक्टर की भर्ती क्यों नहीं हुई तो उसके दोषी मोदी जी कैसे हैं, नर्स और कंपाउंडर क्यों नहीं लगे उसके मोदी जी क्यों कैसे हैं, सर्वे की टीम को यदि पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर नहीं मिले तो उसके मोदी जी क्यों हैं, यदि जाँच ठीक से नहीं हुई तो उसके दोषी क्यों हैं, कालाबाजारी होती है तो उसके दोषी मोदी जी क्यों हैं, अस्पताल में बेड की दलाली होती है तो उसके दोषी खुद कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये दुर्भाग्य रहा कि इस तरीके की करतूतों के कारण राजस्थान की जनता, राजस्थान के मरीज अस्पतालों के दरवाजे पर मौत के मुंह जाने पर मजबूर और विवश हुए। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भिलवाड़ा द्वारा अपना घर वृद्धा आश्रम केशव हॉस्पिटल रोड पर शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर लगाया गया, जिसमें शुगर के 60 घुटना दर्द के 65 एक्यूप्रेशर के 30 रोगी लाभान्वित हुए। इसमें डॉक्टर सत्यनारायण नुवाल व श्याम सुंदर पारिक, सुभाष अग्रवाल ने रोगियों को परामर्श दिया व निःशुल्क दवाइयां दी। अध्यक्ष दयाल समदानी ने बताया कि शिविर में इंदु बंसल, लादूलाल मालिक, कृष्ण गोपाल व घनश्याम डार ने सेवाएं दी। भारतीय जैन संगठन भिलवाड़ा चैप्टर के तत्वावधान में प्रशिक्षक भंवरलाल शर्मा के द्वारा आरके कॉलोनी अरिहंत भवन में 2 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्ष रतनलाल टुकलिया ने बताया कि इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि लोगों को योग के प्रति जागरूक करना, उन्हें बताना कि योग करने से क्या फायदे होते हैं। शिविर का उद्देश्य योग है, स्वस्थ जीवन की पहचान, नियमित योग से रोग निदान, इसी को आधार रखते हुए व्यायाम प्रशिक्षण दिया गया। भंवरलाल शर्मा द्वारा आसान प्राणायाम, व्यायाम, मेडिटेशन आदि कई योग करवाए तथा कहा कि योग है स्वस्थ जीवन की पहचान, नियमित योग से रोग निदान, अतः यदि मन की शांति चाहिए तो रोज नियमित योग करिए व स्वास्थ्य बनाइए। हास्य योग का अभ्यास किया गया व अंकुरित व पौष्टिक अल्पाहार का आनंद लिया गया। अंत में बीजेएस महामंत्री अरविंद झामर द्वारा सभी को योग करने की शपथ दिलाई गई। योग प्रशिक्षक भंवरलाल शर्मा का सम्मान किया व सभी का आभार व्यक्त किया। महिला अध्यक्ष पुष्पा गोखरू ने कहा कि कोरोना की दुर्दशा केवल एक शारीरिक संकट नहीं थी, इसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी स्थायी प्रभाव छोड़ा। योग ऐसे संकटों से निपटने वाले लोगों की मदद कर सकता है। आसन शरीर को मजबूत और लचीला बनाते हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता है व मन भी आत्मविश्वास से भर जाता है। मनीष बम्ब ने बताया कि ये कार्यक्रम वर्चुअल भी रखा गया और फिजिकल भी। करीब 50 व्यक्तियों ने योग प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वस्थ रहने के गुर सीखे। इस अवसर पर भूपेंद्र मोगरा, सुशील चपलो, शांतिलाल खमेसरा, प्रदीप चौधरी, ललित लोढ़ा, अनिल जैन, वैभव बोहरा, दीपक पंगड़िया,
नड्डा, मुकेश टांगी, महिला अध्यक्षा पुष्पा गोकरू, महामंत्री मधु लोढ़ा, कार्य अध्यक्ष शकुंतला बोहरा, अलका जामड़, सुनीता पिपाड़ा, मधु मेड़तवाल, राजेश बाबेल, अनिल सिसोदिया, अनिल कोठारी, रीना सिसोदिया, रेखा ननेचा, नरेंद्र बापना उपस्थित थे।